हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो नाइन्थ क्लास का एक क्वेश्चन है जो कि किसी बच्चे ने भेजा हुआ है, हिरोन्स फार्मूला से है। आज उसे हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। देख लीजिए ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट किया करना है जबकि आपको साइड्स गिवेन है। ओके, तो जब साइड्स आपको गिवेन है तो एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखें इसमें दो ट्राइंगल आपको नज़र आ रहे होंगे, टू ट्राइंगल आर हेयर। सो और देखिए दोनों के एरिया को आप निकाल लीजिए एंड प्लस कर दीजिएगा, सो दोनों का क्वाड्रिलेटरल दोनों को मिलाकर क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा और उसका एरिया पूरा फाइंड आउट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमें करना यह है कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट फिगर का एरिया देखेंगे, तो वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। क्या होता है? हाइट इंटू बेस होता है। जब आपको ये पता है कि हाइट इंटू बेस होता है तो इन ट्राइंगल ए बी सी में आप देखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी यानी कि फर्स्ट वाले ट्राइंगल में आप देखेंगे 1/2 बेस है आपका 9 और हाइट जो है वो है 40 इंटू 9। ओके, जब आपने इसको किया ये 20 हो गया, कितना हो गया 20, तो 20 अब होगा तो ये हो गया 180 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, इस वजह से मैंने इसे ये मीटर स्क्वायर लिख दिया है। अब देखेंगे जब आपके पास ये 40 था, ये 9 था, तो आपने फर्स्ट फिगर का एरिया निकाल लिया। अभी सेकेंड फिगर को निकालने के लिए आपको करना ये होगा कि इस वाले, ये देखिए ये वाली लाइन आपको आनी चाहिए कि ये वाली लाइन की जो है लेंथ कितनी है। तो ये वाला हम आप निकालेंगे, यानी कि एसी की लाइन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखें गिविन जो है वो लिखेंगे। गिविन क्या क्या है, हमें गिविन साइड दी गई हैं। गिविन है डीसी इज इक्वल टू 28 और AD इज इक्वल टू 15 एंड AC हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? AC फाइंड आउट करना है। जब आप AC को फाइंड आउट करेंगे, देखिए जब आपने देखा कि जब आपको एक ट्राइंगल दिया गया हो, क्या दिया गया हो, ट्राइंगल, और ट्राइंगल में दो साइड्स आपको गिवन हो, तो तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए आपको आता है पाइथागोरस। तो देखिए फर्स्ट वाले फिगर में देखा कि यहाँ पर आपको लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा कि गिविन है, सॉरी यहाँ लिखिए इन ट्राइंगल ABC, क्या लिखा, ट्राइंगल ABC में आपको क्या है, जो हमारा हाइपोटेनियस है, क्या है हाइपोटेनियस वो देख लेंगे। हाइपोटेनियस क्या है, AC, क्या है AC, तो AC का स्क्वायर क्या होगा, AB का स्क्वायर के प्लस होगा BC के स्क्वायर के, यानी इनके स्क्वायर के प्लस होगा। तो AC का स्क्वायर निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा दोनों, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, ये होल स्क्वायर है भाई, आप इसे होल स्क्वायर ही लिखें, गड़बड़ ना करें। आपने देखा यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड आउट होगी, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मिलेगी हमें इनका जो है, ये जो है किसका है, 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ऑलरेडी आपने देखा इन दोनों का स्क्वायर जो मिला वो मिला 1681। ओके, 1681 जब मैं इसे रूट से बाहर लेता हूँ तो ये 41 mm मिलेगा, मीटर मिलेगा, यानी कि AC की वैल्यू आपको मिल चुकी है। किसकी वैल्यू मिल चुकी है, AC की। अब आपने देखिए फर्स्ट फिगर का एरिया निकाल लिया और ये वाली साइड आपने निकाल ली है ना। अब हमें एक स्टेटमेंट पता है, यदि अगर हमें किसी थ्री साइड्स वाली शेप का एरिया निकालना है तो उसे हम हिरोन से निकाल सकते हैं। और हिरोन से इस बात को कहता है कि आपको सबसे पहले आना चाहिए सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर होता है a+b+c/2। क्या आएगा, a+b+c/2। तो आपने देखा कि a, ये आपके पास 41 आ गया, ac = 41। ओके, इनको रखिए, एक साइड को a b c कह लीजिए और ऐसे रख लीजिए, तो 28 + 15 + 41, क्या 41 ÷ 2, तो ये सेमी पैरामीटर आ जाएगा। देखा आपने कितना आया, इसका डिवाइड देने पर, ऐड करेंगे आप इसे, ऐड करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो होगी आपकी 84। क्या होगी, 84, और 84 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा आपका 42। कितना आएगा, 42। ओके, तो जो सेमी पैरामीटर आया वो आया आपका 42। अब यहाँ सेमी पैरामीटर हो गया, आपका एरिया जो होता है हिरोन्स का, हिरोन्स इस बात को कहता है, एरिया जो लगता है वो होता है कि अंडर रूट के अंदर एस माइन एस
एस माइनस ए प्लस एस मल्टीप्लाई एस माइनस बी और मल्टीप्लाई एस माइनस सी, ये होता है आपका हीरोन स्केटर। इस बात को तो एस हमारा आया 42, क्या आया एस जो आया हमारे पास 42, एस 42 है इनटू एस 42 है और 42 माइनस 41 करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। 42 देखिए एस माइनस ए यानी कि मैंने इस वाली साइड को 42 से माइनस किया तो ये 1 बचेगा, ठीक है। सेकंड साइड को माइनस करेंगे, सेकंड साइड को माइनस करने पर एस माइनस यानी कि 42 माइनस 28 करेंगे, 42 माइनस 28 करेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा आपका वो बचेगा 14। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 14 माइनस 15 करेंगे तो आपको यहाँ पर बचेगा 27, क्या बचेगा 27, तो यहाँ 27 निकलेंगे। इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिल जाएंगे। अब करना ये होगा इन वैल्यूओं को फैक्टर करके इनको बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखिए फैक्टर किस तरीके से कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इनके फैक्टर कर लेता हूँ। मैं इसे लिख सकता हूँ 7 × 7 × 2 × 3, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। 1 को 1 ही लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं 2 × 7, ओके 14 को, इसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, ओके बेटा इस तरीके से। अब पेयर देखेंगे, देखिए 7 का एक पेयर आपका बन गया है तो रूट से बाहर 1 पेयर बाहर आ जाएगा 7 का, 2 का आपको एक पेयर बन चुका है तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 का आपका एक पेयर बन चुका है तो 3 बाहर आ जाएगा, एक और पेयर 3 का है तो 3 बाहर आ जाएगा। तो ये होगा, 1 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 को 1 मल्टीप्लाई लिख लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसका आप जब टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 14 × 9, टोटल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 126 मीटर स्क्वेयर, क्या आएगी 126 मीटर स्क्वेयर। ये है आपका सेकंड फिगर का एरिया यानी कि इस वाली सेकंड फिगर का एरिया। तो इसका आया 126 मीटर स्क्वेयर और इसका आया जो है आपका 180 मीटर स्क्वेयर, कितना आया 180 मीटर स्क्वेयर, यानी दोनों का एरिया आपको मिल चुका है। अब आपको बताना है टोटल एरिया इन क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखेंगे तो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, ये दोनों पार्ट्स को ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो क्या होगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसमें ये होगा कि ट्रायंगल ए डी सी प्लस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया प्लस कर लेंगे तो इसका जो एरिया आया वो 180 था, वो सॉरी ए बी सी वाले का 180 था और इसका था 126। दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो आपको ऐड करने पर मिलेगा 306 मीटर स्क्वेयर। तो ये होगा आपका आंसर, होगा ये होगा आपका आंसर जो कि आपके इसमें जो है यूज़फुल है। देखें मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये है आपका एरिया है ना 306 मीटर स्क्वेयर, ओके ये है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। दूसरा एक और चीज़ आपके लिए है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल है या आपको नहीं समझ आ रहा है किस तरीके से सॉल्व करना है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है इस पर व्हाट्सएप करिए, या मैथलोजिया पर टेलीग्राम करिए। यदि आप टेलीग्राम करेंगे तो टेलीग्राम पर आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके ठीक है। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।